मोदी जी का बिजली का बिल कितना आता है? क्यों इस नॉर्मल से पार्किंग लॉट को अंबानी भी अफोर्ड नहीं कर सकते? और देसी अंडे में और ऐसे व्हाइट अंडे में क्या फर्क होता है? और इन जुड़वा बहनों की स्टोरी आपको हैरान कर देगी, इसलिए जानने के लिए बने रहना वीडियो में अंत तक। नंबर 24, 75% टाइम जब भी वुमेन आपसे कोई क्वेश्चन पूछती है तो उनको उस चीज का जवाब ऑलरेडी पता होता है, लेकिन उसके बावजूद वो क्वेश्चन पूछती है ये जानने के लिए कि आप सच बोल रहे हो या नहीं। इसीलिए आपको हमेशा सच ही बोलना चाहिए अगर आपको सही सलामत रहना है तो। नंबर 23, आप जो गन्ने का जूस पीते हो वो असल में दुनिया की सबसे जल्दी एक्सपायर होने वाली चीज है, वो बस 15 मिनट में एक्सपायर हो जाती है। और अगर आप एक्सपायर होने के बाद भी उसे पीते हो तो आपको टेस्ट में कोई फर्क पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके अंदर के न्यूट्रिशन खत्म हो जाएंगे। नंबर 22, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप किसी के साथ होटल जाते हो और पैसे वो देने वाला है तो आपको कभी भी महंगे डिश को ऑर्डर नहीं करना चाहिए, या फिर आपको कोई डिश ऑर्डर ही नहीं करना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि आप ही कोई डिश ऑर्डर कर लो, इससे आपकी अच्छी इमेज बनेगी। नंबर 21, आपको ट्रेन में फ्री खाना मिल सकता है, वो भी बिना पूछे। इंडियन रेलवे का एक रूल है कि अगर वो कोई भी प्रीमियम ट्रेन जैसे कि राजधानी या शताब्दी 2 घंटे से ज्यादा लेट होती है और उतनी देर तक अगर आपको प्लेटफॉर्म में रुकना पड़ जाता है तो जब आप ट्रेन में बैठोगे तब आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री खाना दिया जाएगा। नंबर 20, एक बार इस फोटो को देखो, ये साफ साफ बता देती है कि जो बच्चे हैं उनका पर्सपेक्टिव कितना अच्छा होता है। जैसे कि सारे बड़े लोगों ने इस पेड़ को देखकर कैसे ना कैसे अपने मतलब निकालने के बारे में सोचा, कोई इसे बेचना चाहता था तो कोई इसे घर की चीजें बनाना चाहता था, लेकिन इस बच्चे ने ही इस पेड़ को पेड़ की तरह देखा। नंबर 19, एक ऐसा पार्किंग स्लॉट है जो कि दुबई की प्रिंस भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये पार्किंग लॉट बहुत ज्यादा महंगा है और उसमें ऐसा कुछ खास भी नहीं है, ये नॉर्मल कॉन्क्रीट का पार्किंग स्पेस है, लेकिन इसकी लोकेशन इसे बहुत ही ज्यादा खास बनाती है। ये हांगकांग में है और हांगकांग जो कि सबसे ज्यादा बिजी सिटी मानी जाती है, वहाँ पर इतनी सी पार्किंग के लिए स्पेस बच गई है और वही लोकेशन इसे बहुत ही ज्यादा महंगा बनाती है और इसके ऊपर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। वैसे गाइस, अगर आपको वीडियो में मजा आ ही रहा है तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल का एक एम है कि हमें जल्दी ही 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके ये एम अचीव करने में हमें सपोर्ट कीजिए। नंबर 18, आप एक केले से एक कच्चे फल को पका सकते हो। आप किसी कच्चे फ्रूट की साइड में पका हुआ बनाना रखते हो तो वो फ्रूट पक जाएगा, और अगर वो पहले से ही पका हुआ फ्रूट है तो वो और भी ज्यादा पक जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो बनाना में रेडिएशन होता है और साथ में बनाना से ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं जो कि उसके आसपास के फ्रूट को भी पका देता है। नंबर 17, विराट कोहली ने एक बार महेंद्र सिंह धोनी के ग्लोव्स को पहन के विकेट कीपिंग की थी। दरअसल बीच मैच में MS धोनी वॉशरूम चले गए थे और तभी विराट कोहली ने धोनी की ग्लोव्स को पहन के विकेट कीपिंग की थी। नंबर 16, इस चार्ट को देखो, ये चार्ट हर टॉयलेट में होना चाहिए, ये लोगों को बताता है कि आप डिहाइड्रेटेड हो या नहीं। अगर आपकी पी का कलर 2-3 जैसा है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ये रेड से क्रॉस करता है यानी कि 4 से आगे जाता है तो आप डिहाइड्रेटेड हो, और अगर आपका पी कलर 6 की जितना है या फिर उससे भी ज्यादा डार्क है तो आपको रेगुलर बेसिक पर ज्यादा पानी पीना स्टार्ट कर देना चाहिए। नंबर 15, जरा इन सब मुद्रास को देखिए, ये हैंड साइन है जो अलग अलग चीजों को सिंबलाइज करता है, जैसे पावर, एनर्जी, डायमेंशन, हीलिंग और भी कई सारे चीजों को। नंबर 14, बहुत लोगों को मुंह में कई अलग अलग जगह पर दांत आते हैं, लेकिन ऐसे भी दांत है जो नाक में आते हैं। इसमें जो दांत है वो हमारे नाक के अंदर उग सकता है, ये बहुत रेयर और सीरियस कंडीशन होती है जो ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं हो सकती। नंबर 13, टर्टल जब रोते हैं तब बटरफ्लाई उनके आंसू पीते हैं। बटरफ्लाइज को सर्वाइव करने के लिए सोडियम चाहिए होता है जो उन्हें टर्टल की आंसू से आसानी से मिल जाता है। वो किसी दूसरे जानवर के साथ ऐसा नहीं करते क्योंकि दूसरे जानवर फास्ट भी होते हैं और खतरनाक भी हो सकते हैं। नंबर 12, फिलीपीन के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हो फिलीपीन में इतने आइलैंड है कि अगर आप एक दिन में एक आइलैंड भी घूमोगे तो सारे आइलैंड्स को घूमने में आपको पूरे 21 ईयर्स लग जाएंगे, क्योंकि फिलीपींस में इतने आइलैंड है कि आपको इतने साल लग जाएंगे हर एक आइलैंड को घूमने के लिए। वाओ। नंबर 11, देसी एग और व्हाइट एग में क्या फर्क होता है? तो सबसे पहले जो देसी अंडे होते हैं वो व्हाइट एग से ज्यादा महंगे होते हैं क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिशन भी ज्यादा अच्छा होता है और वो व्हाइट एग से ज्यादा हेल्दी होते हैं। व्हाइट एग अक्सर पोल्ट्री फार्म से आते हैं जहां मुर्गियों से जबरदस्ती अंडे डिलवाए जाते हैं, लेकिन जो देसी होते हैं वो एकदम नेचुरल तरीके से बाहर आता है, और जो देसी अंडे वाली मुर्गी होती है उनको भी एकदम नेचुरल खाना खिलाया जाता है जिस वजह से वो ज्यादा हेल्दी होते हैं, और अगर मुर्गी हेल्दी है तो एग भी हेल्दी ही होंगे। नंबर 10, जब हम सोते हैं तो कभी ठंड लगती है और कभी गर्मी, इसकी वजह से हम सो नहीं पाते, तो साइंटिस्ट ने अब ऐसा बेड और पिल्लो बनाया है जो कि आपकी बॉडी को परफेक्ट टेम्परेचर देता है, यानी कि अगर रूम टेम्परेचर और आपका बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो ये उसे एब्जॉर्ब करके ठंडा हो जाएगा, और लो है तो हीट जनरेट करके गर्म हो जाएगा। नंबर 9, आपने हमेशा सुना होगा कि जो ब्लैक कलर है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कलर है और आपको भी ब्लैक कलर ज्यादा पसंद होगा, लेकिन ब्लैक के साथ साथ रेड और नेवी ब्लू दो ऐसे कलर है जो कि ब्लैक कलर जितने ही अट्रैक्टिव लगते हैं और
इसीलिए अगर आपको एट्रेक्टिव कलर पहनने हैं तो आप ये दो कलर पहन सकते हो। नंबर 8, इस औरत ने अपने सर पर बाल का टैटू बनवा दिया। दरअसल इनको कैंसर था और कैंसर की ट्रीटमेंट की वजह से इनके सारे बाल झड़ गए, जिसके बाद सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए इसने अपने सर पर बाल का टैटू बनवा दिया। इसकी फोटो जब सोशल मीडिया पर आई तो ये बहुत वायरल हो गई। इस लड़की ने हमें एक बात सिखाई कि हमें हमारी खुशियाँ खुद बनानी चाहिए। नंबर 7, इंसान अब खुद पेड़ बनाने लगे हैं। ये मैन मेड लीफ है और कमाल की बात तो ये है कि ये बिल्कुल किसी नॉर्मल पत्ती की तरह ही है। ये आराम से सनलाइट के जरिए ऑक्सीजन जनरेट करती है और इसका इस्तेमाल स्पेस ट्रेवल के लिए किया जाएगा। नंबर 6, ये बोट देखो कैसे फ्लोट कर रही है। इस फोटो में नीचे पानी इतना क्लियर है कि देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये बोट पानी में नहीं बल्कि हवा में उड़ रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल यहाँ पर पानी काफी ज्यादा शैलो है, यानी कि उतना भी गहरा नहीं है, और ये इतना ज्यादा साफ है कि बोट का जो शेडो है वो नीचे तक दिखता है। वाओ। नंबर 5, किसी लायन या टाइगर की दहाड़ जो होती है वो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट से भी ज्यादा जोरदार होती है। इनकी दहाड़ को 114 डेसिबल तक रिकॉर्ड किया गया है। और अगर आपको नहीं पता कि ये कितनी जोर की आवाज है, तो हम आपको बता दें कि एवरेज म्यूजिक कॉन्सर्ट में इतनी ही जोर की आवाज आ रही होती है। नंबर 4, पूल में नहाने का मतलब है लोगों की यूरिन में नहाना। जी हाँ, जो नॉर्मल पब्लिक पूल होते हैं अगर उसमें 1000 लीटर का पानी है तो उसमें एटलीस्ट 75 लीटर पानी नहीं है बल्कि लोगों का यूरिन है, और ये फैक्ट बिल्कुल रियल है। नंबर 3, लोगों को लगता है कि फोटो खींचने से वो चीजें उनकी मेमोरी बन जाएगी, लेकिन कई सर्वे में पता चला कि जो लोग इवेंट में जितने ज्यादा कैमरे के जरिए फोटो खींचते हैं उनके लिए वो इवेंट उतना ही कम यादगार बन जाता है, क्योंकि वो कभी भी मोमेंट को जीते नहीं बल्कि उस मोमेंट को शूट करके फ्यूचर की मेमोरी बनाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो मेमोरी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती। नंबर 2, मिलिए जॉय एंड जोसी से। ये दोनों ट्विन सिस्टर जन्म के साथ ही एक दूसरे की माथे से जुड़ी हुई है। जी हाँ, जब इनका जन्म हुआ था तब डॉक्टर्स ने कहा था कि ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन आज ये दो बहनें 14 साल की है और जिंदा है। इनकी कंडीशन के बारे में जब अमेरिका के एक डॉक्टर को पता चला तो उसने उनको एग्जामिन कर इनको अलग करने का फैसला लिया है, जिसके बाद अब जल्दी ही इनकी सर्जरी की जाएगी। नंबर 1, पीएम मोदी जी का बिजली का बिल कितना आता है? तो हम आपको बता दें कि उनका एक साल में बिजली का बिल 21 लाख आता है। ये इतना ज्यादा क्यों है इसके रीजन तो अननोन है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि जहां पर पीएम मोदी रहते हैं वो मल्टीपल बंगलों का एक सेटअप है और इसीलिए इन्हें इन सब का मिलाकर इतना ज्यादा बिल आता है। और जाहिर सी बात है ये सारा बिल पीएम मोदी अकेले नहीं भरते होंगे, लेकिन अपने खाने से लेकर सारे पर्सनल एक्सपेंस पीएम मोदी खुद भरते हैं, लेकिन रहने का उन्हें सरकार द्वारा दिया जाता है। तो गाइस, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।